हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ, वो है मालपुआ। ये एक नॉर्थ इंडियन डिश है, ये बहुत टेस्टी बनती है। चलिए अभी हम रेसिपी देखते हैं। उसके लिए आपको चाहिए एक बनाना, उसको आप मैश कीजिए। ये बहुत पक्के से बनाना रहे तो और अच्छा रहेगा, आप इसको अच्छे से मैश कीजिए। अच्छे से मैश कीजिए। मैश होने के बाद आप इसमें 2 टीस्पून ऑफ उपमा रवा ले लीजिए आप इसमें, और इसमें थोड़ी सी सौंफ डाल दीजिए। सौंफ से बहुत टेस्ट आती है। और आप में इसको आपको 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर भी डाल दीजिए, आप ऐड कर दीजिए उसमें। अभी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कीजिए वो सब इंग्रेडिएंट्स को। अभी देखिए मैंने मिक्स किया है, तो अभी थोड़ा सा आप इसमें इलायची भी डाल दीजिए। इलायची डाल के मिक्स अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी उसमें अब हम एक कप, छोटी कप जितनी मैदा डाल के अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते हुए हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, अदरवाइज इसमें लम्स आ जाएगा। अच्छे से मिक्स कीजिए इसको अच्छे से। ये आप ऐसे इसको ऐसे स्टिर करोगे तो इसमें अच्छे से पफिनेस आ जाता है। तो अभी हमने थोड़ा और, अभी थोड़ा ये अच्छा नहीं हुआ है तो इसमें अभी हम थोड़ा और मिल्क डाल के इसको थोड़ा पतला कर देंगे। देखिए ये अभी देखो ये अच्छा हो गया है बैटर। अभी हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे, पिंच थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दो। अभी ये इसको अब हम हाफ एन आवर के लिए इसको साइड पे रख देंगे। अभी हम चाशनी बनाएंगे, उसके लिए आपको 1 कप ऑफ शुगर चाहिए। उसमें आप थोड़ा सा वाटर डाल के उसको अच्छे से गर्म होने दीजिए। अभी मैं गैस ऑन कर रही हूँ। अभी इसको थोड़ा अच्छे से गर्म हो चुका है, देखिए इसमें बॉईल आना स्टार्ट कर रहा है। देखिए इसमें अच्छी बॉईल आ गई, तो हम थोड़ी सी इलायची डालेंगे, उसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डालेंगे जिससे ये बहुत अच्छा दिखेगा। अभी देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है इसका। देखिए आप हमारे को जैसे आप गुलाब जामुन का कैसा रहता वैसे ही आपको सिरप चाहिए। देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी है, हम गैस बंद कर देंगे। अभी हम एक पैन लगा लिया, उसमें ऑयल डाल दिया है, इसको हीट होने के लिए हमने छोड़ दिया है। अभी आप उसमें बैटर डालिए, एक एक ही डालिए। अभी देखो मैंने डाल दिया है, इसको थोड़ा लो फ्लेम में ही अच्छे से अंदर से कुक होने दीजिए। जब ये वन साइड कुक हो जाएगा तो आप उसको उसको पलटा के नेक्स्ट साइड कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। ये लो फ्लेम में ही रखिए, नहीं तो ये जल जाएगी। ये देखिए कैसी फूल गई है। अभी हम ये निकालेंगे और हम जो दूसरे रिमेनिंग बैटर है उसके बना देंगे। अभी एक्सेसिव ऑयल निकाल दीजिए। देखिए ये मैंने सिरप बनाया है, उसमें अभी हम वो जो भी हमने जो मालपुआ बनाया था ना वो पूरी सब डाल देंगे इसके अंदर। अब उसको डाल के आप सोक करके हाफ एन आवर तक रख दीजिए, उसके बाद आप सर्व कीजिए। बहुत टेस्टी है, आप अपने घर में ट्राई कीजिए। अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे।